अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आज क्या ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए शलजम की रेसिपी लेके आया हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत आसान रेसिपी है, वो आज हम आपको बना के दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास 1 किलो शलजम है। सबसे पहले ये डाल लेंगे कढ़ाई में, इसके साथ में एक दरमियाने साइज का प्याज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टमाटर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून सुराख पिसी हुई मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी। ये हम आपको बहुत ही आसान तरीके से शलजम बनाने का तरीका बता रहे हैं जो झटपट में तैयार हो जाता है। 1/2 टेबल स्पून सुराख कुटी हुई मिर्च और इसके साथ में 1 गिलास पानी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ढक के रख देंगे। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करके अच्छे तरीके से शलजम को हमने ढक के 15 मिनट के लिए रख दिया है। 15 मिनट में शलजम हमारे अच्छे तरीके से गल जाएंगे। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं जी। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम देखने लगे जी। सुभान अल्लाह जी, पानी हमारा खुश्क हो चुका है, देख सकते हैं। और शलजम भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अभी आप इनको मैश भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम गाल लेंगे इनको। ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे शलजम गल चुके हैं। ये शलजम माशाल्लाह जी बहुत अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिया, देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से डाल चुके हैं। अभी हम इसके अंदर 1 कप ऑयल डालने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शलजम को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे माशाल्लाह जी। सुभानअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह जी। सुभानअल्लाह, अभी हम इसकी 4 से 5 मिनट के लिए बुनाई कर देंगे। नहीं माशाल्लाह जी, हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अभी इसके अंदर हम 1 चम्मच चीनी डालने लगे हैं। अगर शलजम कड़वे हैं तो आप चीनी डाल सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे शलजम थोड़े से कड़वे थे इसलिए हमने थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी डाल ली है। इससे इनकी कड़वाहट दूर हो जाती है माशाल्लाह जी। सुभानअल्लाह जी, माशाल्लाह जी हमारे शलजम फाइनल तैयार हो चुके हैं। और अभी हम लास्ट पे 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सूखी मेथी, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर दिया। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त खूबसूरती आई है। और साथ में सब्ज़ मिर्चें दो से तीन माशाल्लाह जी। अरे माशाल्लाह जी, फाइनल हमारी हंडिया रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह जी, सुभानअल्लाह जी, माशाल्लाह जी, मक्खन की तरह मुलायम हमारे शलजम बने हैं, बहुत ही टेस्टफुल है बने। आप कलर भी इनका देख सकते हैं। आप लोगों ने भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि शलजम कैसे बने हैं। बहुत ही आपको हमने ये आसान तरीका बताया शलजम बनाने का। ये आपको YouTube पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा तरीका, बहुत कम लोग ये तरीका जानते हैं माशाल्लाह जी। देख सकते हैं इस तरीके से। अभी लास्ट पे थोड़ा सा सर्वाइव कर धनिया डाल देंगे सब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में 1 सब्ज़ मिर्च रख देंगे। सुभानअल्लाह जी, देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे शलजम तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, अपने करीबी रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।